नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त सचिन आज आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर विला। आप देख सकते हैं ये 5 BHK है। इसका जो प्लॉट एरिया है वो 3,393 स्क्वायर फीट है और 5 BHK है। ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल जाता है 1 BHK, मतलब एक मास्टर बेडरूम मिलेगा, साथ में लैट्रिन बाथरूम और आपको किचन मिलने वाला है, और साथ में डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया जो कि बहुत ही स्पेशियस है। इधर की साइड में आपको मिल जाता है हट लाइक स्ट्रक्चर, जब आप देख सकते हैं मेरे पीछे की साइड में, तो बहुत ही सुंदर अच्छे से बनाया गया है। आप बाहर बैठकर वहाँ पर चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं। और विला जो है वो 3 मंजिला है। नीचे की साइड में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे 3 बेडरूम जो काफ़ी स्पेशियस है, और ऊपर की साइड में भी एक हट लाइक स्ट्रक्चर इसी के ऊपर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। चलिए एक बार इसको अंदर से देखते हैं। और सबसे ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है 1 बेडरूम, तो चलिए अंदर से देखते हैं और समझते हैं इस ब्लॉक को। ये है विला का सेकेंडरी एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री करेंगे तो राइट हैंड साइड में दी गई है ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस, और लेफ्ट हैंड साइड में ग्राउंड फ्लोर के लिए एंट्रेंस मिल जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर का डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। रूफ में आपको POP की फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। ग्राउंड फ्लोर में 1 बेडरूम दिया गया है। ड्राइंग रूम से आप सीधे पार्क की तरफ एग्जिट कर सकते हैं। ड्राइंग रूम से काफी सुंदर पार्क का व्यू दिखता है। चलिए अब हम अपने फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं जो ग्राउंड फ्लोर में है। बेडरूम काफी स्पेशियस है, इसमें आपको रूफ में POP की फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है, और फ्लोर में काफी सुंदर टेक्सचर के साथ टाइल्स दी गई हैं। अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें सभी प्रकार की कॉमन फैसिलिटीज दी गई हैं। रूम के साथ अटैच है वॉल्कनी। वॉल्कनी काफी स्पेशियस है, इसको आप एज ए वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। बेडरूम के बराबर में एक छोटा सा स्पेस दिया गया है जिसको आप टेम्पल के लिए या फिर स्टोर रूम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बराबर में दिया गया है किचन। ये किचन एज ए मॉड्यूलर किचन के रूप में तैयार किया गया है, अभी फुल्ली फर्निश्ड नहीं है। डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया के बराबर में है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम काफी स्पेशियस है, सभी प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए अब स्टेयरकेस से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। स्टेयरकेस पर ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है और स्टील की ग्रिल मिल जाती है। एंट्रेंस के बराबर में दिया गया है कॉमन वॉशरूम जिसमें सभी प्रकार की कॉमन फैसिलिटी दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम दिए गए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है जो काफी स्पेशियस है। इसमें रूफ में आपको POP की फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है जो बहुत ही सुंदर है। फ्लोर में शानदार टेक्सचर में स्मूथ टाइल्स दी गई हैं। रूम के साथ अटैच है एक वॉशरूम, इसमें सभी प्रकार की कॉमन फैसिलिटी दी गई है। रूम के साथ अटैच है वॉल्कनी। वॉल्कनी से काफी शानदार व्यू दिखता है। ये एक होटल है द विलिस, इसका व्यू बिल्कुल क्लियर दिखता है, और सामने द विलिस का पार्क है। चलिए अब फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड बेडरूम देख लेते हैं। ये बेडरूम एज ए मास्टर बेडरूम के रूप में यूज कर सकते हैं। काफी स्पेशियस है, इसमें भी वॉल्कनी दी गई है। यहां से भी द विलिस होटल का जो पार्क है उसका व्यू दिखता है। रूम से आप हट लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की साइड में बनाया गया है आप वहां पर जा सकते हैं। यहां से भी आपके गार्डन का और बाहर का शानदार व्यू दिखता है। फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम देख लेते हैं। यह भी काफी स्पेशियस है। रूफ में आपको POP का डिजाइन मिल जाता है। फ्लोर में काफी स्मूथ विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है। रूम से आप बालकनी में जाएंगे तो यहाँ से पूरी सोसाइटी का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। साथ में जो आपका पर्सनल गार्डन है उसका भी व्यू आप ले सकते हैं। चलिए अब टॉप फ्लोर पर चलते हैं, यानी कि सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर पर चलते ही लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है टॉयलेट वॉशरूम जो काफी स्पेशियस है, सभी प्रकार की कॉमन फैसिलिटी मिल जाती हैं। और इसके सामने दिया गया है बेडरूम।
बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। इसमें ग्लास पैनल सामने देखने को मिलते हैं। रूफ में पीओपी का डिजाइन दिया गया है और फ्लोर में स्मूथ विट्रीफाइड टाइल्स दी गई है। रूम के बाहर की साइड में है काफ़ी ओपन स्पेशियस ओपन टेरेस। यहां से आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर बहुत शानदार शानदार हमने इस प्रकार की प्रॉपर्टी डाली हुई हैं और देवस्थली की भी हमने सारी इन्वेंट्री डाली हुई है। आपको साइड में दिख रही होगी, ये देवस्थली की इन्वेंट्री है। अगर आप इस प्रकार की कोई भी इन्वेंट्री खरीदना चाहते हैं उत्तराखंड में कहीं भी, चाहे वो देहरादून हो, नैनीताल साइड हो, धनौल्टी हो, मंसूरी हो, कहीं भी आप उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको इधर साइड में दिख रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।